हेलो गाइस, सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 9th स्टेट बोर्ड चैप्टर 1 डिज्नीलैंड पेरिस पार्ट 1। टॉपिक्स कवर्ड आर वोकैब, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वर्ब प्रेफरेर, वर्ब अतंद्र, वर्ब दायर। द अदर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट, सो योर वी गो विद द वीडियो। सो गाइज, इन ऑर्डर टू कम्प्लीट अ चैप्टर, हम सबसे पहले ना वोकैब करेंगे। तो जब आप वोकैब करोगे ना, तो आपको चैप्टर के वर्ड्स जो आपको हार्ड लगेंगे वो पहले ही समझ जाएंगे, तो आपको चैप्टर बाद में थोड़ा ईजी लगेगा। बाद में हम ग्रामर करेंगे, जो हर एक चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद चैप्टर का ट्रांसलेशन एंड रीडिंग ऑफ द चैप्टर, एंड उसके बाद उस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, हेलो गाइज, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वोकैब। तो गाइस, मेरे को चाहिए कि आप लोग ना एक बार इंग्लिश में और एक बार फ्रेंच में देख के लिखो, और फिर इंग्लिश में लिखो और बिना देखे फ्रेंच में लिखो। तो इससे पता है क्या होगा, आपको सारे वर्ड्स याद रह जाएंगे, ठीक है? तो आपको ट्रांसलेशन बहुत ईजी जाएगा, और आप आगे जाके कभी वर्ड्स में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि आपको वो वर्ड्स बैठ जाएंगे दिमाग में, ठीक है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट। और हर एक पेज का चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ में, ओके? अगर आपके पास ये गाइड नहीं है, तो अगर आपके पास फ्रेंच की गाइड या एक्यूरेट है तो उसमें वो कैप पहले से दी है, ओके? अ थॉट, अ ट्रम्प एंड असेट, अ हॉनर एंड ऑनर, अ एम्प्लॉय ड्यू टर्म्स, अ टाइम टेबल, अ डाइवर्टीजमेंट एंड एंटरटेनमेंट एंड अज्यूमेंट, ल आरे द ऑटोबस, द बस स्टॉप, ल मॉन्द द वर्ल्ड, ल जू द गेम्स, और लेस जूस लेस जक्स द गेम्स फॉर प्योरल फॉर्म, ओके? वो जो ब्रैकेट में दिया है वो प्योरल फॉर्म के लिए है। ल रूज ए लेवरस द लिपस्टिक, ल पोर्टेबल द मोबाइल, ल समेत द पिक ऑफ द माउंटेन, लड़ीर द लाफ्टर, ल क्रॉकवी मॉन्सियर, टोस्ट हैम एंड चीज सैंडविच, ल क्रॉकवी मैडम, टोस्ट चीज एंड हैंड सैंडविच विथ अ फ्राइड एग ऑन द टॉप, ल प्रिग्स बस द लो प्राइस डिस्काउंट प्राइस, ल मैनेज द मेरी गो राउंड, ल क्वार्टियर द लोकेलिटी, ल पैलेस द पैलेस, ल शिन ऑफ द डस्टर। आई होप आपको पता होगा कि ल ला कब आता है, एंड आपको वो भी याद रखना है, ल इज़ फॉर मैस्कुलाइन एंड ला इज़ फॉर फेमिनाइन, एंड आपको याद रखना है साथ में कि मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन, ओके? ला लेवर द लिप, ला मोंटाग्न द माउंटेन्स, ला बारबा ए पापा द कैंडली फ्लॉस, ल एंट्रे द एंट्री, ला सॉर्टी द एग्जिट, ला मोंटाग्न रुइस द लोलल कोस्टर, ला तेरे द ग्राउंड द अर्थ, लेस फ्रेट्स द फ्रेंच फ्राइज, जनरल वर्ड्स प्रेत मीनिंग रेडी, सुरतौत स्पेशली, अम्यूजेंट फनी, प्लेजर सर्वर, इंटरेसेंट इंटरेस्टिंग, म्याम म्याम यम यम, अत्र अदर्स, तूतलमंद एवरीवन, जत एम प्री यू आर वेलकम, अवार फेम टू बी हंग्री, अवार सॉफ टू बी थर्स्टी, अवार चौद टू बी हॉट, अवार फ्रॉद टू बी कोल्ड, एत्र ए एवांस टू बी अर्ली, एत्र ए रेटार्ड टू बी लेट, अल यूर ऑन टाइम, न एस सपा इज इंट इट ओनली क्वेश्चन टैग इन फ्रेंच, फेयर देस प्रोजेक्ट्स टू मेक प्लान्स। नाउ लेट्स गो फॉर वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स। सो थ्रूवेर टू बी लोकेटेड, अतंद्र टू वेट फॉर, विजिटर टू विजिट, एतंद्र टू यर, रेपोंद्र टू रिप्लाई, डियर टू से। एंड इसी के साथ अपनी वोकैब कंप्लीट होती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक बार बिना देख के ज़रूर लिखना, ठीक है?
हेलो गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके, कंपैरेटिव डिग्री. द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन. आपको पता ही होगा जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है. अब ये कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑसी, इन तीनों में से कोई भी एक यूज करने का. ओके वेट, ऑसी का मतलब होता है एज मच एज, प्लस का मतलब होता है मोर देन, एंड मुआ का मतलब होता है लेस देन. ओके, प्लस एग्जेक्टिव प्लस क. अब आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको ठीक से समझेगा. ये अपना सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया ए, प्लस यहाँ पे प्लस यूज़ किया है, यहाँ पे ये एग्जेक्टिव हो गया प्रतीत क, और फिर आगे का सेंटेंस. मैं आपको इसका, डिज्नीलैंड पेरिस इज प्ल प्रतीत क ल डिज्नीलैंड वर्ल्ड ए फ्लोरिड. मतलब डिज्नीलैंड पेरिस इज मोर स्मॉलर देन द डिज्नीलैंड वर्ल्ड इन फ्लोरिडा. आई होप आपको समझा होगा. सेकेंड वाला भी सेम है, पहले हम अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर यहाँ पे ऑसी यूज किया है, फिर एग्जेक्टिव, फिर क, और फिर बाकी का सेंटेंस. दिस रेड ड्रेस इज, दिस रेड ड्रेस इज एज बिलव्ड एज द वाइट ड्रेस. इसका मतलब ठीक है. अब थर्ड वाला देखो, ये रहा अपना सब्जेक्ट, ये अपना वर्ब, यहाँ पे मोआ यूज़ किया है मतलब लेस, एडजेक्टिव क ल ट्रेन, ल वेलो ए मोआ रैपिड क ल ट्रेन. मतलब साइकिल इज लेस फास्टर देन द ट्रेन. आई होप आपको कंपेरेटिव डिग्री का ये वाला पार्ट समझा होगा. अब यहाँ पे देखो, ये कंपेरेटिव डिग्री के लिए आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा. बॉ को चेंज करने का मिलियर में, बॉन्स को चेंज करने का मिलियर्स एक एस. ये मैस्कुलाइन के लिए, ये मैस्कुलाइन प्योरल के लिए, ये फेमिनाइन के लिए, और ये फेमिनाइन प्योरल के लिए ठीक है. हाँ, तो अब एग्जांपल देखो, लाग लेस ए ला वेनिला एम मिलियर क लाग लेस एला फ्रेस. अब देखो, फेमिनाइन है इसके लिए ये वाला यूज़ किया है, मैस्कुलाइन होगा तो फर्स्ट वाला यूज़ करोगे, प्लूरल होगा तो ये, मैस्कुलाइन प्लूरल होगा तो ये, और फेमिनाइन प्लूरल होगा तो ये वाला ठीक है गाइस. अब हाँ, एग्जांपल देखो, इसका मतलब होता है द वेनिला आइसक्रीम इज़ बेटर देन द स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. ओके, आई होप आपको ये समझा होगा. एंड ये आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना, मतलब आपकी टेक्सचुअल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझेगा ठीक है. ये पूरा चार्ट ठीक से लर्न करके रखो ठीक है. मतलब बॉ के जगह पे कंपेरेटिव में ये यूज़ करने का, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये ठीक है गाइस. अब सुपरलेटिव करते हैं. सुपरलेटिव में क्या होता है पता है, सेम है पर बस हम लोग ल ला या लेज यूज़ करेंगे. और यहाँ पे हम लोग पहले कैसे, यहाँ पे क यूज़ कर लेते हैं, उसके जगह पे हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे डी ई फैमिली. आई होप आपको पता होगा ल कब आएगा, ला कब आएगा, लेस कब आएगा. ल फॉर मैस्कुलाइन, ला फॉर फेमिनाइन, लेस फॉर प्योरल. डी ई फैमिली, डी यू फॉर मैस्कुलाइन, डी ई एल ए द ला फॉर फेमिनाइन, और देस फॉर प्योरल. ओके, अब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड एज दिस. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ला फैमिली प्लस या फिर मोवा, दो में से एक, एडजेक्टिव और डी ई फैमिली. तो ल एवियन ए ल प्ल रैपिड देस मोवा द ट्रांसपोर्ट. मतलब एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब यहाँ पे देखो, ल प्ल यूज़ किया है, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ए अपना वर्ब हो गया, फिर ल प्ल यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, अपना ये एडजेक्टिव हो गया, फिर डी ई फैमिली में से. अब हम लोग सबके साथ कंपेयर कर लें ना, तो ऑफकोर्स प्योरल फॉर्म होगा है ना, फ्रॉम ऑल द वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना गाइस. इसके लिए प्योरल फॉर्म यूज़ किया है यहाँ पे देश. गाइस अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ओके, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपना वर्ब हो गया, ल प्ल यहाँ से ये यूज़ किया, हॉट अपना एग्जेक्टिव हो गया, ये डी ई फैमिली में से, और ये बाकी का सेंटेंस. तो इसका मीनिंग क्या होता है, पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज टॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, ये वाला भी सेम है. देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दिस
पर मैंने आपको बोला था प्ल का मीनिंग क्या होता है, प्ल मोर देन, तो यहाँ पे भी मोर देन ही होगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पे भी मोर देन ही होगा ऑफ कोर्स, और मोवा का मीनिंग लेस देन, ओके, प्लस एग्जेक्टिव प्लस डीई फैमिली, ल वेलो ए ल मोवा पल्यूतन देस मोयंस द ट्रांसपोर्ट, मतलब द साइकिल इज लीस्ट पल्यूटेंट फ्रॉम ऑल द वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे भी सेम है, पर यहाँ पे देखो ल लेस ला और लेज है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नहीं था, तो ये आपको हेल्प करेगा याद रखने में, पता चलेगा आपको इससे कि सुपरलेटिव डिग्री है या कंपेरेटिव डिग्री है। स्पेलिंग देखो, यहाँ पे LLEUR है, स्पेलिंग देखो सेम ही है, ठीक है, बस यहाँ पे ये यूज़ होगा, ओके। अब यहाँ का एग्जाम्पल देखो, द चॉकलेट ला ग्लेज और चॉकलेट ए ला मेलियल देस ग्लेज, मतलब द चॉकलेट आइसक्रीम इज द बेस्ट फ्रॉम ऑल द आइसक्रीम्स। आई होप आपको कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव दोनों ठीक से समझ गए होंगे, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम वर्ब्स करेंगे। सो गाइस, वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। आई होप आपको ये सब पहले से पता होगा, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा वापस बता देती हूँ। रेगुलर वर्ब्स फॉलो अ पैटर्न, ई आर एंडिंग, आई आर एंडिंग और आर ई एंडिंग। इसके लिए रेगुलर वर्ब्स को याद रखने को बहुत ईजी रहता है। एंड इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न, इसके इसके वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनको याद रखना। अब रेगुलर वर्ब्स का ई आर एंडिंग ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी, आई आर एंडिंग आई एस आई टी आई ओ एन आई एस एस ओ एन एस आई एस एस ई जेड आई एस एस ई एन टी आई एस एस ई एन टी, और आर ई एंडिंग एस एस नथिंग नथिंग ओ एन एस ई जेड ई एन टी ई एन टी। तो हम लोग को अभी जो वर्ब है उसमें आर ई एंडिंग है, तो आर ई एंडिंग में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एंडिंग का आर ई निकाल के उसमें एस एस फिर नथिंग नथिंग वन एस ई जेड ई एन टी पुट करते जाते हैं। मैं आपको बोलती हूँ एक बार आपकी ग्रामर के बुक में ये सब एक बार लिख लो, ठीक है। आई होप आपको पता होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, जो मतलब आई, ट्यू मतलब यू, इल मतलब ही या तो इट, इल मतलब शी या तो इट, नूज मतलब वी, वूज का मतलब भी यू होता है, पर फॉर प्योरल फॉर्म और विथ रिस्पेक्ट, इल्स मतलब दे मैस्कुलाइन प्योरल, इल्स मतलब दे फेमिनाइन प्योरल। तो अब हम वर्ब पे जाते हैं, पहला वर्ब देखो रेगुलर आर ई एंडिंग दैट इज अतौंद्र, हम लोग ने अभी आर ई एंडिंग देखा, एस एस नथिंग नथिंग ओ एन एस ई जेड ई एन टी। अब देखो आर ई को हटा के यहाँ पे एस डाला है, जो आई वेट, अतौंद्र का मीनिंग क्या होता है, टू वेट फॉर ऑल टू वेट, है ना, और जे अपोस्ट्रोफ क्यों डाला है, क्योंकि आगे वॉवल है, हमेशा सब लोग यहाँ पे ही मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ये सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है। एस एस बाद में भी आर ई हटा के एस डाला है, नथिंग नथिंग मतलब देखो आर ई हटा के कुछ नहीं डाला है, ओ एन एस ई जेड आर ई हटा के ओ एन एस डाला है, आर ई हटा के ई जेड डाला है, ई एन टी ई एन टी। आई होप आपको ये समझा होगा, सेम वे एतौंद्र टू यो और लेपौंद्र टू आंसर, ये भी सेम वे आर ई एंडिंग के इसमें ही जाएगा, आई होप आपको ये समझा होगा। आई वेट, यू वेट, ही वेट्स, शी वेट्स, वी वेट्स, यू वेट, दे वेट, दे वेट, ओके। अब हम नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, डेट इज प्रेफरेड, वो उसके एंडिंग में ई आर है, पर वो प्रेफरेड, पर वो ई आर एंडिंग नहीं है, ठीक है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना ये रेगुलर वर्ब नहीं है, इरेगुलर वर्ब है, मतलब ये ई आर एंडिंग के इसमें कॉन्जुगेट नहीं होगा, ठीक है, जो प्रेफरेड। अब ये एज इट इज आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जो प्रेफरेड, ट्यू प्रेफरेस, इल प्रेफरे, एल प्रेफरे, नूस प्रेफरेंस, वूस प्रेफरेस, इल्स प्रेफरेंट, एल्स प्रेफरेंट, आई प्रेफर, यू प्रेफर, ही प्रेफर्स,
शी प्रेफर्स, वी प्रेफर्स, यू प्रेफर, दे प्रेफर्स, दे प्रेफर्स। आई होप आपको ये वाला भी समझा होगा। गाइज मैं आपको ना इसका छोटू सा ट्रिक बता सकती हूँ। मतलब ये देखो, माउंटेन 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 माउंटेन, मतलब ये जो ई देख रहे हो उस पे देखो कैसे आएगा, ऐसे आएगा चार बार माउंटेन, ठीक है। ई पे देखो, ई पे, बाद में दो बार रिवर रिवर, ये देखो, बाद में वापस दो बार माउंटेन, मतलब माउंटेन 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 माउंटेन, चार बार माउंटेन, दो बार रिवर रिवर, और वापस दो बार माउंटेन। ये आपको याद रखने के लिए कि ग्राव आएगा कि एक्यूट आएगा, ठीक है। और इसे अच्छे से इसकी स्पेलिंग्स देख के इसे लर्न करो, ठीक है। इरेगुलर वर्ब है सो दायर, इसको वो, ये भी इरेगुलर वर्ब है। इट मीन्स टू से और टू टेल। जो दीस, क्यू दीस, इल दीत, एल दीत, नूज दियंस, वूज दियस, एल्स दिजेंट, एल्स दिजेंट, इल्स दिजेंट, एल्स दिजेंट। आई से, यू से, ही से, शी से, वी से, यू से, दे से, दे से। तो गाइज ये तीनों वर्ब अभी के अभी लर्न करो, वो आर एंडिंग लर्न करो, और ये सब आपके ग्रामर की बुक में लिख लो, ओके। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट, एंड जो भी टॉपिक्स बचते हैं ना मैं साथ साथ कवर करती जाऊंगी नेक्स्ट पार्ट्स में। एंड मैं जैसे पढ़ा रही हूँ साथ साथ वैसे पढ़ते जाओ, ट्रस्ट मी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कुछ भी डाउट होगा तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके गाइज़।